हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल डूइंग? आई होप आप लोग सब अच्छे से होंगे। मेरा नाम अंकिता लाल है और आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोग को एनसीईआरटी बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ। तो आज हम लोग क्लास 8 की पहले चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जो कि क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। देखिए, जिनको भी एनसीईआरटी ऐसा लग रहा है कि एनसीईआरटी नहीं है, ये पुरानी एनसीईआरटी है, तो आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री डाउनलोड हो जाएगा, अपने वेबसाइट पे जाके एनसीईआरटी बुक्स डाउनलोड सर्च करना है गूगल पे और आपको मिल जाएगा। तो पहला चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। जैसा कि ये चैप्टर है, ये दो सब्जेक्ट्स में फॉल करेगा, बायोलॉजी में भी और एग्रीकल्चर में भी। और ये एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट होता है साइंस के स्टूडेंट्स के लिए कि उनका अगर बायोलॉजी अच्छा है तो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी भी अच्छा होता है और ज्योग्राफी के बेसिक्स बन जाते हैं। तो इस चैप्टर से हम दो दो सब्जेक्ट्स को एक साथ टारगेट कर लेंगे, तो ये काफ़ी फ्रूटफुल चैप्टर होने वाला है, इन द सेंस कि हमारे क्वेश्चंस दो दो सब्जेक्ट के हिट करवा देगा। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा चैप्टर है वो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, इसमें क्रॉप के उगाने से लेकर उसको किस तरह से मैनेज करते हैं वो सब देखने वाले हैं। जब हम लोग एनसीईआरटी में बात करते हैं तो एनसीईआरटी में बात की जाती है कि किस तरह से, हमने पढ़ा था कि फूड हमें चाहिए, फूड किस चीज़ के लिए चाहिए, तो एनर्जी के लिए चाहिए। ग्रीन प्लांट खुद ही खुद का फूड बना लेते हैं और एनिमल, जैसे कि हम लोग हैं, हम नहीं बना पाते हैं, तो हमें कहाँ से फूड मिलता है? हमें प्लांट से फूड मिलता है या एनिमल से फूड मिलता है? हमने सोर्सेज ऑफ फूड में देखा था, फिर हम उसको यूटिलाइज करते हैं एनर्जी के लिए। डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन उस एनर्जी से होता है और फिर इस तरह से हम लोग का पूरा सिस्टम चलता है। तो इस फूड को चाहिए तो हमें फूड ना, तो इस फूड को उगाना भी तो पड़ेगा, उगाएंगे तभी तो खा पाएंगे। तो ये हम लोग करते हैं एक प्रोसेस के थ्रू जिसको एग्रीकल्चर बोलते हैं। आप लोगों को ये बात पता होना चाहिए कि अभी से 10,000 साल BCE बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, ईसा पूर्व, जो है लोग जो है वो नोमैडिक होते थे। नोमैडिक का मतलब एक जगह उनका घर नहीं होता था, एक जगह से दूसरी जगह वॉन्डर करते थे, मतलब घूमते थे एक जगह से खाने के लिए, शेल्टर के लिए, कहीं सेटल नहीं करते थे, ठीक है, उनको वॉन्डरर नोमैडिक कहते हैं। तो ये उस टाइम क्या करते थे, कच्ची सब्जी, कच्ची वेजिटेबल ये सब खाते थे और हंटिंग करते थे एनिमल की, ठीक है। बाद में क्या हुआ, जब ह्यूमन सिविलाइज्ड हुआ, जो आज हमारा सिविलाइजेशन, जो हमारी सोसाइटी है, उसको आप किस तरह से कह सकते हैं कि कैसे बना था, एग्रीकल्चर आया उस हिसाब से। आपने पढ़ा होगा पेलियोलिथिक, मेजोलिथिक, न्यूलिथिक। जब हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो हम इस तरह से हमारे स्टोन एज को डिवाइड करते हैं, पेलियोलिथिक होता है, न्यूलिथिक होता, मेजोलिथिक होता है, न्यूलिथिक होता है, ठीक है। ये मैं आपको बताती हूँ ये चीज़ क्या है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो हमारा स्टोन एज था, ठीक है, आदिकाल जो हमारा था उसको किया गया। पैलियो का मतलब होता है पुराना और लिथिक का मतलब स्टोन, यानी कि पुराना स्टोन एज। तो जब हमारा स्टोन एज था तो उसको हमने डिवाइड किया हुआ था, ये जस्ट इस एक बेसिक है ताकि आप समझ पाओ। स्टोन एज को हमने डिवाइड कर दिया था तीन पार्ट में, पैलियोलिथिक में, मेजोलिथिक में और नियोलिथिक में। मेजोलिथिक तो अब आप समझ गए, लिथिक का मतलब होता है स्टोन एज, और इसमें यही पैलियो, मेजो और नियो ये लगता है। यहाँ पे मेजो का मतलब होता है मिडिल, नियो का मतलब होता है नया। तो इस तरह से स्टोन एज को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया था, है कि नहीं? चलो, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये जो नियोलिथिक एज है, इस टाइम आ जाता है हमारा एग्रीकल्चर, और इस टाइम आके लोग सेटल कर जाते हैं और फिर हमारी सोसाइटी आगे बढ़ती है, जैसे कि आज के दिन है। तो इसलिए एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा रोल है कि नहीं? चलिए, तो ये हमने एग्रीकल्चर का रोल देख लिया। जब प्लांट, हम लोग एक तरह के प्लांट को, अच्छा अगर आपसे कोई पूछे कि फसल क्या होती है, क्रॉप क्या होता है, तो फसल का ये मतलब होता है जब एक ही तरह के प्लांट एक ही जगह पे बहुत बड़े स्केल पे जब उगाए जाते हैं तो उसको क्रॉप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप व्हाट, वीट क्रॉप का अगर हम बात करें तो उसका मतलब हुआ कि एक बड़े से खेत में हम सिर्फ वीट उगा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि क्रॉप क्या होता है। अब अगर क्रॉप की बात करें तो क्रॉप के टाइप्स होते हैं, ठीक है, किसके बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं क्रॉप को। तो क्रॉप को किस जगह, किस समय उगाया जाता है, उसके पूरे क्रॉपिंग पैटर्न पे, क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब हुआ किस समय, किस सीजन में उगाया जाता है, दो तरह से ब्रॉडली उसको डिफाइन किया गया है। एक होता है खरीफ क्रॉप, एक होता है रबी क्रॉप। तो चलिए अब हम लोग डिटेल में देखते हैं, जैसे कि हमारा ये ड्रिल है, हम पहले एनसीईआरटी में भी देखते हैं और थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। खरीफ क्रॉप की बात की जाए तो वो ऐसे क्रॉप होते हैं जिसको रेनी सीजन, बरसात के समय में उगाया जाता है, सो किया जाता है, यानी कि उगाया जाता है, बीज डाली जाती है। तो कौन सा होता है बरसात का सीजन? जून से सितंबर, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पे एग्जाम्पल्स ही हैं, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन। पैडी माने हो गया चावल, धान, मेज माने हो गया मक्का, सोयाबीन तो आप जानते हैं सबके घर सोयाबीन आता है, और ग्राउंडनट, ये चलिए आपको दिखाते, चना,
ये देखिए, ये रहा ग्राउंड नट, ये रहा राइस आपका पैडी, ये रही आपकी रागी, ये आपका रहा सोयाबीन। ये सब आप देख रहे हैं, ये सारे खरीफ क्रॉप है, ठीक है। रेनी सीजन में उगते हैं वो खरीफ क्रॉप है। रबी क्रॉप वो होते हैं जिनको विंटर सीजन में उगाया जाता है, विंटर सीजन में बोया जाता है। उगाने का यहाँ मतलब हो रहा है बोना, सो किया जाता है, इस टाइम लगाया जाता है। काटा कभी और जाता है, बट लगाने से हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो रबी क्रॉप जो है वो विंटर सीजन में उगाया जाता है, जो कि अक्टूबर से मार्च आता है। एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप हो गया आपका वीट, गेहूँ, या मैंने कहा ना एग्जाम्पल ही रट के घोल जाइए, गेहूँ, चना, उसके बाद मटर, उसके बाद मस्टर्ड, उसके बाद लिनसीड। अच्छा, इसको याद रखने के लिए रटने की भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग खेत जाते हैं, ज़रूर जाया करिए, या फिर चलिए नहीं भी जाते खेत तो आप लोग कहीं से कहीं घूमते तो होंगे ना। तो आप लोग देखते होंगे जब ठंड के समय में कहीं निकलते हैं तो पीली पीली सरसों की खेत लगी रहती। बिहार साइड में भी बहुत रहता, आप उधर चले जाइए बेतिया वेतिया साइड, तो आपको दिखेगा कि किस तरह से मस्टर्ड लगी होती है, किस तरह से गेहूं लगा होता है। तो आपको समझ में आ जाएगा, चलो ये रबी सीज़न का है और खरीफ सीज़न हो गया राइस। सबसे इंपॉर्टेंट राइस और वीट है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। उसके बाद एक और टाइप है, हमने जैसा कहा कि हम एक ही टाइप की, फिर जब हम बात करते हैं जैद क्रॉप की, एक एक्स्ट्रा टाइप होता है क्रॉप का जिसको हम लोग कहते हैं जैद क्रॉप। तो जब जैद क्रॉप की कहते हैं तो ये समर सीजन क्रॉप होते हैं, ठीक है, ये समर सीजन में उगते हैं। क्योंकि ये समर सीजन क्रॉप हैं तो इनका भी टाइम पीरियड होगा, इनका टाइम पीरियड होता है बिटवीन, ये शॉर्ट पीरियड में होते हैं, बिटवीन खरीफ एंड रबी, खरीफ और रबी के बीच में ये उगते हैं, खरीफ और रबी के बीच में। और ये जो है इनका अगर टाइम पीरियड एग्जैक्टली बोले तो मार्च से जून होती है ना एकदम कड़ाके की गर्मी, उस बीच में। जायद क्रॉप का अगर आप एग्जांपल जानें तो जो भी फ्लावर, ये फ्रूट वगैरह होते हैं ना मेनली, जैसे कि आपको यहाँ पाइनएप्पल दिख गया, यहाँ मस्क मेलन दिख रहा, सॉरी पाइनएप्पल नहीं, वाटरमेलन दिख गया, मस्क मेलन दिख गया, यहाँ पे आपको खीरा दिख रहा है, यहाँ आपको बैंगन दिख रहा है, यहाँ आपको कद्दू दिख रहे हैं, यहाँ आपको करेला दिख रहा है, ये सारे जैद क्रॉप है। तो आप याद रखेंगे फ्रूट्स तो एकदम याद रखेंगे। देखो आपको क्या क्या इसमें याद रखना है, इसमें आपको पाइनएप्पल, बार बार पाइनएप्पल क्यों कह रही हूँ, सो सॉरी, वाटरमेलन, मस्क मेलन और आपको क्यूकुम्बर याद रखना है। ये तीनों चीज़ें तो याद रखनी है, इस फोटो से आपको याद रह जाएगा, ठीक है। तो हमने जैद क्रॉप देख लिया, एक नया था, एनसीईआरटी में नहीं था, बट हम तो आप जानते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ते हैं ताकि हम हर लेवल का क्वेश्चन कर सकें। उसके बाद बारी आती है क्रॉप प्रोडक्शन की, ठीक है। क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब होता है जो आर्ट ऑफ ग्रोइंग क्रॉप है, मैं इसको आर्ट ही मानती हूँ, क्योंकि इसमें क्या होता है किस तरह से क्रॉप को उगा कर उसको पूरा मैनेज करना और उसको अलग अलग प्रैक्टिसेस जिसमें उसकी ग्रोथ देखी जाती है, डेवलपमेंट होता है और पूरा एग्रीकल्चर ईल्ड होता है, उसको हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन बोल रहे हैं। बेसिक प्रैक्टिसेस क्या हैं क्रॉप प्रोडक्शन की, तो कुछ स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू क्रॉप का प्रोडक्शन होता है, मतलब प्रोड्यूस होता है। सबसे पहले सॉइल, मिट्टी प्रिपेयर की जाती है। मान लो आपको कल को बोला जाए खेती करने के लिए तो यही स्टेप करोगे आप, कैसे करोगे? सबसे पहले आप एक खेत लोगे, उसके अंदर मिट्टी प्रिपेयर करोगे। मिट्टी प्रिपेयर करने का मतलब होता है मिट्टी को देखना, उसमें न्यूट्रिएंट हैं कि नहीं, उसमें एक कुदाली वगैरह ला के देखना है कि अच्छे से वहाँ पानी आ रहा है कि नहीं, और जिस तरह का आप क्रॉप उगा रहे हो उस तरह की उसकी नीड होती है। जैसे कि अगर आप धान उगा रहे हो को बहुत पानी चाहिए होता है तो आपको देखना आसपास इरिगेशन यानी कि पानी पटाने का सोर्स है कि नहीं। उसके बाद बारी आती है सोइंग की। सोइंग का मतलब होता है बोना, किस तरह से आप बोते हो बीज को, ठीक है। उसके बाद बीज को बो दिया, मिट्टी प्रिपेयर कर लिया, अब आप उसमें डालोगे खाद। मैन्योर का मतलब होता है नेचुरल फर्टिलाइजर यानी कि केमिकल खाद, जिस तरह की आपके प्लांट की नीड है उस तरह का आप फर्टिलाइजर डालोगे। फिर इरिगेशन, उसमें पानी डालोगे, उगने की भी जरूरत है, न्यूट्रिएंट डाल दी। अब क्या करोगे, आसपास वीड्स उगते हैं, वीड होते हैं अनवांटेड प्लांट, ऐसे प्लांट जो कि ना आपके मेन प्लांट के साथ कंपीट करते हैं। उसको अगर आप खाना दे रहे हो तो वो भी कंपीट करेंगे भाई, और उसका खाना ले लेंगे आधा, अगर आप उसमें पानी पटा रहे हो उसका पानी ले लेंगे, तो क्या होगा, इससे आपकी क्रॉप का लॉस होगा ना, तो प्रोटेक्शन करना आपको वीड से भी। उसके बारे बारी आती है हार्वेस्टिंग की। अब आपने सब कुछ कर लिया, आपका फसल उग गया, उसको काटोगे भी ना, उस काटने के प्रोसेस को हार्वेस्टिंग कहते हैं। और फिर जब सब काट वाट लिया तो अब उसकी स्टोरेज की बात आती है, उसको हम स्टोर करते हैं, उसको कहते हैं स्टोरेज। चलिए ये देख लिया। अब यहाँ पे अगर आप इस पिक्चर के थ्रू देख ले तो किस तरह से आप देख रहे हैं प्रिपरेशन हो रहा है, ये आप लोग के लिए लगाया, किस तरह से हार्वेस्टिंग हो रही है, किस तरह से स्टोरेज हो रहा है, वीडिंग हो रही है, वो सब स्टेप्स दिखाए गए हैं। फिर बारी आती है, एक बार आप लोग अच्छे से अपने स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं। फिर बारी आती है हमारे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की। अब हम लोग डिटेल में एक एक स्टेप देखेंगे। जब प्रिपरेशन की सॉइल की बात की जाती है तो प्रिपरेशन में क्या करते हैं, हम लोग मिट्टी को खोदते हैं, उससे क्या करते हैं, हम लूज कर देते हैं मिट्टी को, उसको टर्निंग, इसको कहते हैं टिलिंग या प्लोइंग। आपने सुना है ना कुदाल, टिलिंग या प्लोइंग, प्लोइंग जो हम लोग करते हैं वो होता है आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल।
तो वहाँ पे जोतना, हल जोतना नहीं बोलते हैं, वो होता है प्लॉइंग। ठीक है, हमने प्लॉइंग देख लिया। जो फर्स्ट स्टेप होता है वही होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जिसमें हम लोग कुदाली लेकर या फिर बैलों की मदद से हम लोग क्या करते हैं, किसी तरह से कुदाई करते हैं। ठीक है, उसको हम लोग प्लॉइंग कहते हैं। प्लॉइंग जो होता है उसमें हम लोग सॉइल को लूज़ कर देते हैं। अब सॉइल तो लूज़ हो गया, अब क्या करेगा जो रूट है वो अच्छे से लूज सॉइल के अंदर, क्यों लूज़ कर रहे हैं, ताकि जो हम पेड़ उगा रहे हैं उसका रूट एकदम अंदर तक पेनिट्रेट कर जाए। अंदर तक क्यों पेनिट्रेट होगा, मैंने जैसे कहा ना बायोलॉजी में हर चीज़ समझने की चीज़ होती है, तो समझ जाओगे तो कभी रटना नहीं पड़ेगा। जब अंदर तक पेनिट्रेट करेगा तभी तो पानी लेके आ पाएगा, तो रूट को भी तो पानी चाहिए। तो फिर रूट क्या करता है, ब्रीद कर पाएगा इजिली, अंदर तक जा पाएगा। उसके बाद क्या होगा, जो अर्थवर्म और माइक्रोब, मैंने कहा था फ्रेंड ऑफ फार्मर बोलते हैं अर्थवर्म को, 2-3 बार बता चुकी हूँ, वो भी तो प्रेजेंट होते हैं सॉइल के अंदर। तो इस वजह से क्या होता है, वो और हेल्प करते हैं, एरेशन वेरेशन कर देते हैं। एरेशन का मतलब हवा वगैरह अच्छी अच्छी गैसेज लेकर के आते हैं, जिस वजह से रूट आगे बढ़ता है, और न्यूट्रिएंट रिच सॉइल तो लेकर आते ही आते हैं। जब हम लोग प्लॉइंग कर देते हैं सॉइल के सरफेस की, तो अब चाहिए काम आता है लेवलर का। आपने क्या किया, पूरी खुदाई वगैरह कर दी, अपने सॉइल लूज कर दिया, अब लेवलर आके उसको एक लेवल कर देगा, मतलब उसको एक लेवल में ले आएगा। इससे क्या होगा, जब बाद में आप सीड डालोगे, सीड को सोइंग मतलब बोओगे सीड को, तब आपके और इरिगेशन जो पानी डालते हो उसके प्रोसेस में हेल्प करता है। तो लेवलिंग आप समझ गए, अब आपने अपने खेत में लेवलिंग कर दिया, अब आप क्या करोगे, आपको टूल भी तो चाहिए ना ये सब करने के लिए। तो जो टूल यूज़ होता है उसको कहते हैं प्लॉ, हो और कल्टीवेटर। चलिए मैं इसकी फ़ोटो एनसीईआरटी में दी हुई है, वो आपको दिखा देती हूँ, आपको अच्छे समझ आएगा। ये देखो, यही है प्लॉ, देख रहे हो किस तरह से बैल लेके जा रहा है, ये प्लॉ, इसी को प्लॉ कहते हैं। ये पूरा का पूरा एक सिस्टम होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा है शाफ्ट होता है, प्लॉ शेयर होता है, और ये पूरी बीम होती है, इसी से लगी होती है, बीम मतलब डंडी जिससे लगी होती है। और देख रहे हो किस तरह से खुदाई हो रही है, तो इसको कह रहे हैं हम लोग प्लॉ। उसके बाद एक हो जो है, हो एक सिंपल सा टूल होता है जिससे वीड रिमूव किया जाता है, सॉइल को भी लूज किया जाता है। तो आप समझ गए, आयरन का ही बना हुआ होता है। ये देखो, ये रहा आपका हो, दिख रहा है किस तरह से आयरन का टूल है, ये बाद में सॉइल को लूज करेगा। और ये रहा आपका कल्टीवेटर, ये आजकल क्या होते हैं ना ट्रैक्टरों में, अब थोड़ी ना कोई बैलों पे लेके जाता है, अब तो धीरे धीरे एडवांसमेंट हो रही है, तो ट्रैक्टरों पे ये लगा रहता है ये मशीन, इसको कल्टीवेटर कहते हैं। और ये आपका हेल्प करता है, ये क्या करता है, क्यों मशीन का हम लोग यूज़ करें, ताकि ये लेबर और टाइम दोनों बचा दे, और इसको बचाओगे तो आपका ही बेनिफिट होगा, है ना। तो हमने कल्टीवेटर, प्लो और हो देख लिया, अब हम लोग सोइंग देखेंगे, अब हम लोग बोना वाला प्रोसेस देखेंगे, किस तरह बीज बोते हैं। तो जो बीज को बोते हैं मैंने बताई दिया, उसको सोइंग कहते हैं। सोइंग से पहले आपको ये नोटिस करना ज़रूरी है कि जो आप बीज ले रहे हो वो हाई यील्डिंग वैरायटी हो, माने गुड हो, गुड क्वालिटी की हो, साफ हो, हेल्दी हो। हेल्दी होना भी बहुत ज़रूरत है। सीड का सिलेक्शन आप कैसे करोगे, आप देखोगे कि अगर कोई सीड हल्की हो गई है, लाइट हो गई और पानी में फ्लोट कर रही है, तैर रही है, यानी आपका सीड डैमेज्ड है। तो ये हो गया बड़ा इंपॉर्टेंट तरीका जानने का कि किस तरह से सीड डैमेज्ड है कि नहीं। इस प्रिंसिपल से आपको ये पता चल जाएगा, अच्छी सीड को बुरी सीड से डेवलप डिफरेंशिएट कर दोगे। फिर बारी आती है टूल की, इसको भी यूज़ करने के लिए कोई टूल तो चाहिए। तो ट्रेडिशनली तो आप लोग खुरपी यूज़ करते थे, देखा होगा घरों में खुरपी होती है, लेकिन अब सीड ड्रिलिंग मशीन आ गई है जिससे लोग सीड को ड्रिल कर देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, मशीन का क्या बेनिफिट है, मशीन जो है ना वो एकदम इक्वल डिस्टेंस पे, मान लो अगर ये आपका खेत है तो इक्वल डिस्टेंस पे, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, ये ना अब सीड ड्रिलिंग मशीन की वजह से अब ये इजी हो गया, यूनिफॉर्मली अब हो सकता है। और क्या इंश्योर करता है कि पूरा का पूरा जो आपका सॉइल है वो एकदम अच्छे से कवर हो जाए। इसके अलावा ये सीड्स ना, पहले अगर आप सीड डालते थे तो चिड़िया वगैरह आके खा जाती थी, लेकिन अब ये मशीन्स इतने अच्छे से उसको अंदर ड्रिल कर देती है ना कि अब कोई भी चिड़िया वगैरह आके उसको नहीं खाएगी। ठीक है, तो क्या बचा इससे, इससे टाइम और लेबर बचा, बचा कि नहीं। अब उसके बाद जो स्टेप आता है उसको हम लोग कहते हैं मैन्योर और फर्टिलाइज़र। बट उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको सीड के बारे में बता दूँ। अभी जो सीड की बात हो रही थी ना, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, यहाँ एक सीड होती है जिसको हम लोग कहते हैं HYV सीड, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड। ये वैसी सीड्स होती हैं जिसको क्या किया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी के मदद से हम लोग जो हैं वो उसको लैब वगैरह में उगाते हैं, और इससे क्या होता है, बहुत अच्छी अच्छी यील्ड का मतलब होता है बहुत अच्छा उपज होता है। ठीक है, तो ये बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस से हम लोग बनाते हैं। जब हम लोग हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स की बात करते हैं तो आप लोग के दिमाग में आ जाना चाहिए 1960 का समय। इस समय क्या हुआ था बताओ आप लोग बच्चों, सबको पता है ग्रीन रेवोल्यूशन। और ग्रीन रेवोल्यूशन किस वजह से हो पाया था, इस समय बड़ी भुखमरी हो गई थी, तो हमारे जो डॉक्टर नॉर्मन ई बुल्लो थे, ठीक है, उनका भी नाम मैं चलो यहाँ लिख देती हूँ, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं इनको। यही सब चीज़ें आती हैं आपके एग्ज़ाम में, डॉक्टर नॉर्मन
ई बोल लो, ठीक है? ये रहे आपके डॉक्टर नॉर्मन ई बोल लो, ये आपके हैं फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन फॉर वर्ल्ड, ठीक है? वर्ल्ड के लिए फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन फॉर वर्ल्ड, वर्ल्ड के लिए। और वही अगर इंडिया की बात करी जाए तो इंडिया में आते हैं हमारे एमएस स्वामीनाथन, ठीक है? एमएस स्वामीनाथन ये हमारे फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है? तो ये दो नाम आप याद रखेंगे, ठीक है? आपने देख लिया ये? तो इस तरह से हमने देख लिया कि किस तरह कि ये जो हाई यील्डिंग वैरायटी थी उसी के वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन हो पाया, और ग्रीन रेवोल्यूशन के वजह से आज हमारे जो पंजाब और हरियाणा के किसान हैं वो किस तरह से अमीर हो पाए। एंड एट द सेम टाइम, चलो छोड़ो उनके अमीर है, हम लोग के पास आज खाने का ये है, लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड के में बहुत सारा ये यूज़ हुआ था, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, फर्टिलाइजर्स, और इस वजह से बहुत ज़्यादा सॉइल का जो है ना वो डिस्ट्रक्शन हुआ था, इन द सेंस सॉइल ख़राब हो गई थी। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, मैंने कहा मैं आपको एकदम अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगी। तो हमने सीड ड्रिलिंग देख ली, हमने ये भी देख लिया, अब हम लोग मैन्योर देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप होता है खाद। जब हम लोग मैन्योर की बात करते हैं तो मैन्योर को हम लोग ऑर्गेनिक सब्सटेंस बोलते हैं जो कि ऑप्टेन होता है फ्रॉम डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट बाय द प्रोसेस ऑफ वर्मी कम्पोजिटिंग। आपको याद है मैंने लास्ट टू लास्ट क्लास में आपको वर्मी कम्पोजिटिंग बताई थी, लास्ट ही क्लास में बताई थी। वर्मी कंपोजिटिंग कौन करवाता है? ये अर्थवॉर्म जो है वो वर्मी कंपोजिटिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, अर्थवॉर्म, ठीक है? तो ये मैन्योर जो है वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, नेचुरल है, ठीक है? और ये एनिमल वेस्ट से बनता है, और ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स ऐड करता है, इस प्रोसेस को मैन्यूरिंग कह रहे हैं। वही फर्टिलाइजर एक केमिकल है, यानी आर्टिफिशियल चीज़ है जो एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में रिच होता है, एक सर्टेन न्यूट्रिएंट में, जैसे कुछ यूरिया में होगा, कुछ अमोनिया में होगा, कुछ सुपरफॉस, ये तो चलो याद रखो आप लोग कौन कौन से, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपरफॉस्फेट, पोटैश और NPK, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम, ये कुछ फर्टिलाइजर्स होते हैं जो हम लोग डालते हैं। ये आपके NCERT में दिया है डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। जैसे कि मैंने कहा फर्टिलाइजर मैन मेड है, मैन्योर नेचुरल है। फर्टिलाइजर जो फैक्ट्री में बनता है, मैन्योर आप अपने घर पे बना सकते हो, अपने फील्ड में बना सकते हो। फर्टिलाइजर कोई ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करता है सॉइल को, और मैंने आप लोगों को ह्यूमस पिछले से पिछले क्लास में बताया था। तो ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, व्हाट इज ह्यूमस? ह्यूमस आप लोग एक लाइन में मेरे को नीचे बताओगे कि व्हाट इज़ ह्यूमस, ठीक है? आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, मुझे भी पता चलेगा कि आप लोगों ने क्या इसको समझा है, और अच्छा लगेगा, ठीक है? इंटरैक्टिव रखते हैं हम लोग। उसके बाद बारी आती है मैन्योर, जो है वो बहुत सारा ह्यूमस प्रोवाइड करता है, नेचुरल चीज़ है। फर्टिलाइजर जो होता है वो रिच होता है इन प्लांट न्यूट्रिएंट जो कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस NPK, और मैन्योर जो होता है वो थोड़ा सा कम रिच होता है इन सब न्यूट्रिएंट में, क्योंकि आपको पता ना स्पेसिफिक नहीं है। मैन्योर का एडवांटेज क्या है? तो अगर हम लोग ऑर्गेनिक खाद की बात करें तो क्या फायदा होगा? ये क्या करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है सॉइल की, ठीक है? ये सॉइल को और भी ज़्यादा पोरस यानी और ज़्यादा छेद कर देता है। अभी सोचो अगर सॉइल में और ज़्यादा पोरस यानी कि थोड़ी थोड़ी छेदें और बढ़ जाएंगी तो गैस एक्सचेंज अच्छे से हो पाएगा ना, गैस का भी बहुत बड़ा रोल होता है। इसके अलावा ये जो बहुत सारे फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं, कौन होते हैं, अर्थवॉर्म वगैरह, इनका नंबर बढ़ जाता है अगर आप नेचुरल चीज़ डालोगे, वो मरेंगे नहीं ना इस चीज़ से, और टेक्सचर ऑफ सॉइल भी ठीक हो जाता है। फिर आप लोग बोलेंगे फिर मैन्योर ही क्यों नहीं यूज़ करते हम लोग, फर्टिलाइज़र क्यों यूज़ करते? क्योंकि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं ना जिनको थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है क्यों न्यूट्रिएंट, और ये मैन्योर ना टारगेट नहीं कर पाता है कि सिर्फ नाइट्रोजन ही जब बढ़ रहा है, तो वो स्पेसिफिक टारगेटिंग के लिए हम लोग फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, ठीक है? लेकिन डिसएडवांटेजेस हैं फर्टिलाइज़र की, क्यों? नेचुरल जो चीज़ नहीं उसके ऑब्वियसली डिसएडवांटेजेस होंगी। पहला डिसएडवांटेज तो ये है कि सॉइल को लेस फर्टाइल, कम उपजाऊ बना देता है, और बहुत बड़ा सोर्स है वाटर पोल्यूशन का, वाटर पोल्यूशन का बहुत ही बड़ा सोर्स है, ठीक है? तो ये हमने देख लिया फर्टिलाइजर के डिसएडवांटेजेस। अब ये देखो न्यूट्रिएंट रिप्लेनिशमेंट, अब आपने न्यूट्रिएंट भी तो डालना है। क्या होता है ना कि जब आपकी फील्ड है, ठीक है, उसमें आप उपजा रहे हो, उसको आप कुछ समय के लिए खाली छोड़ दो, बंजर छोड़ दो, अनकल्टिवेटेड, फैलो, फैलो का मतलब हुआ बंजर, ठीक है, बंजर छोड़ दो। बंजर जब आप छोड़ दोगे ना, उससे क्या होगा, न्यूट्रिएंट जो लॉस हुआ ना इतना सारा आपने फर्टिलाइजर वगैरह यूज़ किया, उसको रिप्लेनिश यानी कि ठीक करने में मदद करता है। तो जब हम लोग क्रॉप रोटेशन की बात करते हैं तो क्रॉप रोटेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें आप क्या करते हो, एक बार ना दाल का पेड़ लगा देते हो अपने फील्ड में, और फिर उसके बाद जाके स्वीट का पेड़ लगा देते हो। फ़ायदा क्या है दाल का पेड़ लगाने का? फ़ायदा ये रहा बहुत बड़ा, जब आप दाल के पेड़ लगाते हो ना, जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उनके रूट्स में होती हैं
क्या होते हैं उनके रूट नोड्यूल्स में, याद रखोगे नोड्यूल्स में बैक्टीरिया होती है जैसे कि राइजोबियम। ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके नाइट्रोजन कंटेंट प्रोवाइड कर देते हैं। किसमें नाइट्रोजन प्रोवाइड कर देते हैं, कंटेंट प्लांट्स को, और आपकी जो मिट्टी भी है वो भी साथ साथ नाइट्रोजन रिच हो जाती है। फिर आप बाद में वीट उगाओ तो आपके लिए सही रहेगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं क्रॉप रोटेशन। इस तरह से न्यूट्रिएंट रिप्लेनिशमेंट हो रही होती है। ठीक है, तो हमने देख लिया न्यूट्रिएंट रिप्लेनिशमेंट। अब हम लोग देखेंगे इरिगेशन। इरिगेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और बता देती हूँ, एक दो एडिशनल चीज़, कुछ और भी मैं आपको एग्जांपल देती होती हूँ। सिर्फ राइजोबियम से काम नहीं चलेगा, एग्जाम में दिख जाएंगे, आप लोग के लिए सही रहेगा। एक आप लोग याद रखेंगे अजोटोबैक्टर, ठीक है, ये देखो बायोलॉजी है ना कितना ज़्यादा इसमें। दूसरा है आपका बैसिलस, तीसरा है आपका क्लॉस्ट्रिडियम, ठीक है, ये है क्या, ये है नाइट्रोजन फिक्सिंग स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। एक एक क्लेब्सिला, क्योंकि सारे साइंटिफिक नेम हैं उनके नीचे अंडरलाइन करना होता है, ठीक है। ये जो है ये कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज हैं, ठीक है। आप लोग ये याद रखोगे क्योंकि एज इट इज़ नाम दिख जाएंगे एग्जाम में, तो ये आप लोग याद रखोगे। ये कुछ स्पीसीज हैं जो हेल्प करती हैं अपार्ट फ्रॉम राइजोबियम। राइजोबियम तो एकदम ही याद रखना है। अच्छा चलो, अब हम लोग पहुंच गए हैं इरिगेशन पे। इरिगेशन की अगर हम बात करें तो इरिगेशन इज सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप, इसी को हम लोग बोलते हैं पानी पहुंचाना, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंस क्या है, पानी क्यों डालने की जरूरत है। पहली चीज़ तो सीड जर्मिनेट कैसे करेगा, पानी नहीं होगा तो। दूसरा, न्यूट्रिएंट कैरी करता है ये पानी ही। आपको पता नहीं किस तरह से रूट में जाइलम के थ्रू पानी ऊपर पहुंचता है, पहुंचता है कि नहीं। उसके अलावा डिजोल्व करवाने में जो आपने फर्टिलाइजर वगैरह डाला वो जाएगा कैसे, वो इसी पानी में घुल के जाएगा। उसके अलावा क्रॉप को प्रोटेक्ट करता है। मान लो बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ गई, एकदम जम गई आपकी क्रॉप, या बहुत गर्मा गर्म हवा आ गई, तो ये पानी जो है ना, आपको पता नहीं किस तरह से मैंने आपको ट्रांसपीरेशन प्रोसेस बताया था कि अपने आप को प्लांट कूल रखता है, तो वो इसी पानी के वजह से होता है, पानी रिलीज होता है, प्लांट कूल रहते हैं। उसके अलावा मॉइस्चर, मॉइस्चर बहुत ज़रूरी है हेल्दी क्रॉप के लिए, ठीक है, मॉइस्चर माने नमी। अब इरिगेशन के कुछ सोर्सेज है, एक ट्रेडिशनल है, एक मॉडर्न है। ट्रेडिशनल सोर्सेज में आप क्या जानते हो, आपके घर के आसपास आपने नहीं देखा है, ये देखो कुछ ट्रेडिशनल सोर्सेज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, वेट अ मिनट। हाँ, कुछ ट्रेडिशनल सोर्सेज में आपके होते हैं मोट, पुली चेन, चेन पंप, देखली, राहत। अब क्या है, एकदम घबराना नहीं है इन सब नामों से, हम सब दिखाएंगे क्या है। देखली में आप देख रहे हो किस तरह से एक कुआं है, कुआं के थ्रू पानी भेज रहे हैं। चेन पंप में कुएं में ही एक चेन की तरह सिस्टम बना दिया, इससे पानी यहाँ जा रहा है। मोट का मतलब एक पुली सिस्टम होता है मोट। इसमें भी देख रहे हो कुआं से पानी लेकर के पुली के थ्रू लाया और वो पानी पहुंचा रहे हैं। और फिर है राहत, राहत का मतलब लीवर सिस्टम, पुली सिस्टम, लीवर सिस्टम। मोट और राहत तो आपने याद रखना है, ठीक है, ये देखो फोटो से एकदम क्लियर हो जा रहा है। मोट पुली है, राहत लीवर है, मोट ये रहा, पुली ये रहा, चेन पंप तो नाम से ही पता चल रहा है। ये सारे ट्रेडिशनल तरीके हैं किस तरह से पहले करते थे। ट्रेडिशनल तरीके चीपर होते हैं लेकिन कम एफिशिएंट होते हैं। चीपर है, कम एफिशिएंट, नाम से पता चल रहा है, ऑब्वियसली कम होंगे ही क्योंकि वो तो ट्रेडिशनल है ना। फिर बारी आती है, आजकल पंप जो है ना वो डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, तो आजकल तो बड़े बड़े तरीके आ गए हैं, तो हम लोग थोड़ा मॉडर्न तरीका देखते हैं। मॉडर्न तरीके जो है वो वाटर को बहुत इकोनॉमिकली पहुंचाते हैं। इकोनॉमिकली का मतलब कम पैसे में और खूब एफिशिएंटली, ठीक है। तो पहला आता है स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम ये रहा आपका स्प्रिंकलर सिस्टम, इस तरह से पाइपें लगी रहती है, इसमें पानी स्प्रिंकल होता है, तो इस तरह से थोड़ा वेस्टेज भी कम होता है पानी का, उतना ही जाता है जितने की ज़रूरत होती है। बिल्कुल ऐसा लगेगा, आप कहीं देखोगे ना स्प्रिंकलर सिस्टम तो आपको लगेगा जैसे कहीं बारिश हो रही है। स्प्रिंकलर सिस्टम किस में मदद आती है, कॉफ़ी का अगर पेड़ वेड़ उगाया हुआ है या लॉन वॉन बना रहे हैं तो स्प्रिंकलर सिस्टम बड़ा काम आता है। फिर आता है ड्रिप इरीगेशन। ड्रिप इरीगेशन तो बहुत ही एफिशिएंट होता है पानी बचाने में, क्योंकि यहाँ पानी ना ड्रॉप बाई ड्रॉप डायरेक्टली रूट के पास जाता है, और इसको आना बेस्ट तरीका मानते हैं अगर आप किसी फ्रूट के पेड़ को उगा रहे हैं। और ड्रिप इरिगेशन बहुत पानी भी बचाता है, तो ये आपने याद रखना है। थोड़ा ना वाटर कंजर्वेशन में ये थोड़ा सा हेल्प करता है, वाटर कंजर्वेशन में। तो कभी कुछ क्वेश्चन ऐसा दिख गया ना वाटर कंजर्वेशन का तो ड्रिप इरिगेशन मेंशन कर देना, बेटर है थोड़ा। फिर बारी आती है वीड्स की। वीड्स क्या होते हैं, वीड होते हैं अनवांटेड प्लांट जो आपके, मैंने बताया था, नेचुरल प्लांट के साथ कम्पीट करते हैं उसके रिसोर्सेज के लिए, तो वीड को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। इस प्रोसेस को हम लोग वीडिंग बोलते हैं। कुछ वीड प्लांट के एग्जांपल्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, एनसीईआरटी में नहीं है बट आप लोग को जानना चाहिए। डैंडिलियन, सोथिसल, हेनबिट, आपको दिखता होगा, अपने आप आसपास निकल जाओ आपको इस तरह के प्लांट दिखेंगे। शेफर्ड पर्स, पेंटवर्ट, एनुअल फ्लैबेन, ये कुछ प्लांट्स हैं जो वीड हैं।
ऐसा नहीं कि एकदम रटना है इन नाम को, बट अब याद रखें डैंडिलियन कोशिश करें याद रखने का, शेफर्ड पर्स याद रखने की कोशिश करें, ठीक है। अब वीड का डिसएडवांटेज क्या है, क्यों रिमूव करना है, मैंने आपको बता दिया, कम्पीट करते हैं सोर्सेस से और इंटरफियर करते हैं हार्वेस्टिंग में, कई बार ये पॉइजनस भी होते हैं हमारे लिए, अगर गलती से खा पी लिया हमने या किसी जानवर ने, डेथ भी हो सकती है। वीड का मैनेजमेंट कैसे होता है, बहुत तरीके हैं। पहला तरीका है टिलिंग। टिलिंग में क्या करते हैं हम लोग, जब भी क्रॉप उग रहा है उससे पहले हम लोग जाते हैं वीड को निकाल देते हैं, ठीक है, रूट से ही बाहर निकाल के मार देते हैं। दूसरा है मैनुअल रिमूवल। टिलिंग बिफोर सोइंग में हम लोग क्या कहते हैं, मतलब सोइंग यानी कि बोने से पहले ही बीज हम क्या करेंगे, निकाल देंगे वीड को। दूसरा है मैनुअल रिमूवल, इसमें खुरपी लेके जाएंगे और जाके अपने हाथ से वीड को रिमूव करेंगे, खुरपी आप सबने देखी होगी। फिर दूसरा है सीड ड्रिल। सीड ड्रिलिंग में हम किस तरह से किसे सीड डाल रहे थे ना, सीड ड्रिलिंग से हम लोग वीड भी निकाल सकते हैं, ठीक है। बट वीड को, अब ये तो चलो मैनुअल तरीके हो गए, कुछ केमिकल्स होती हैं जो वीड का रिमूवल मदद करती हैं, उनको वीडिसाइड कहते हैं, जैसे 2,4-D, ये याद रखना आपको, ठीक है। वीडिसाइड एक केमिकल है, साइड जब भी किसी में लग गया ना तो समथिंग दैट किल्स, तो ये आप याद रखेंगे। तो वीडिसाइड जो है वो स्प्रे की जाती है फील्ड में और इस तरह से वीड को मार दिया जाता है। स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर, लेकिन इसका भी मैंने जो कहा, जब भी कोई केमिकल चीज़ या आर्टिफिशियल चीज़ यूज़ कर रहे हैं ना, वो हेल्थ को बहुत हानि करता है। तो जो वीडिसाइड का स्प्रेइंग होता है ना, वो कैसे किया जाना चाहिए, वो नोज़ और माउथ से करना चाहिए, कवर्ड विद अ पीस ऑफ क्लोथ। आपने मुंह अपना ढक के रखना है और तब वीडिसाइड छिड़काव करनी है। उसके अलावा और भी तरीके हैं रिमूवल ऑफ वीड के, आप कवर क्रॉप उगा सकते हो, कवर क्रॉप यानी उसके आसपास अच्छे क्रॉप जो उसको ख़त्म कर देंगे। मोइंग एक तरीका है, हाथ से रिमूवल, मल्चिंग एक तरीका है, प्लोइंग और डिस्किंग और डिगिंग, ये भी कुछ तरीके हैं, ये कुछ एक्स्ट्रा तरीके हैं जो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। फिर बारी आती है हार्वेस्टिंग की, यानी अब क्रॉप आपका उग चुका है, अब उसको काटना है। इस काटने कटता कब है, जब वो मैच्योर हो जाता है तब कटता है, इसको हम लोग हार्वेस्टिंग कह रहे हैं। हार्वेस्टिंग दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप मैन्युअली कीजिए, जाइए खुरपी लेके या फिर कुदाली लेकर और फिर रिमूव कीजिए, या मशीन के थ्रू, और जो मशीन उसको रिमूव करता है उसका नाम आसान है बहुत याद रखना, हार्वेस्टर, हार्वेस्टिंग कर रहा है। जब हार्वेस्टिंग क्रॉप करते तो हमें क्या करने की ज़रूरत होती है, हमें ना धान को, जो भी मतलब धान नहीं, जो भी आपका ग्रेन है, जो भी अनाज है, उसको उसके ना चाफ यानी कि उसकी कवर से सेपरेट करना, इस प्रोसेस को थ्रेशिंग बोलते हैं, ठीक है। थ्रेशिंग कैसे किया जाता है, एक मशीन के थ्रू, जिसको हम लोग कंबाइन कहते हैं, ठीक है। ये मशीन जो है वो क्या करेगी, जो छिलका है उससे धान को अलग कर देगी, यानी कि जो भी उपज है उसको अलग कर देगी, और इस जो ये क्या मतलब मशीन है उसको हम लोग थ्रेशर बोलते हैं, काम करता है थ्रेशिंग, तो थ्रेशर है, और ये जो ये है कंबाइन है, कंबाइन भी करता है। फार्मर जो छोटे छोटे फार्मर होते हैं जिनकी छोटी छोटी ज़मीन होती है, वो एक प्रोसेस को यूज़ करते हैं जिसको विनोइंग कहते हैं। चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दूँ ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है, तो आप लोग के लिए बड़ा आसान रहेगा। ये देखो सीड ड्रिल की जो बात करते हैं, ऐसा दिखता है सीड ड्रिल। अब हम लोग पहुँच चुके हैं हार्वेस्टिंग पे, तो हम थोड़ा ये देख रहे हो किस तरह से देख ली, और ये आपका मोट, राहत, चेन पंप, अभी हमने देखा ना अलग अलग ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरीगेशन। अब हम लोग पहुँच गए हैं हार्वेस्टिंग पे, यहाँ ये देखो ये रहा आपका कंबाइन मशीन, यही क्या करेगा, ये जो है वो चाफ को रिमूव कर देगा, ठीक है। कंबाइन देख रहे हो कितना भयंकर सा मशीन है, क्योंकि इसका काम भी भयंकर है। और ये रहा विनोइंग, यही जो स्मॉल छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं इनकी छोटी सी मशीन होती है, खुद डालते हैं और ये रिमूव कर देता है, देख रहे हो छोटी कितनी है इसके कंपैरिजन में। ये रही विनोइंग मशीन छोटे फार्मर के लिए, ओके। चलो हमने ये देख लिया विनोइंग। अब हार्वेस्टिंग हो जाने के बाद कई बार स्टब्स रह जाते हैं, स्टबल रह जाती है, इसको पराली बोलते हैं, और फिर उसको फार्मर जला देते हैं, इससे एयर पोल्यूशन होता है। एनसीईआरटी में इतना ही है, बट क्योंकि हम लोग एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और बीपीएससी भी अभी यूपीएससी से पीछे तो है नहीं, तो मैं आप लोग के लिए थोड़ा सा डिटेल में स्टबल बर्निंग लेकर आई हूँ। स्टबल बर्निंग को पराली बर्निंग भी कहते हैं, पराली जलाना, और ये आपको पता है सितंबर से नवंबर के महीने में, तो दिल्ली में जो दिवाली के समय पोल्यूशन होता है वो इसी पराली बर्निंग के वजह से होता है। दिवाली के टाइम पोल्यूशन जो आप लोग देखते हैं, पोल्यूशन की स्थिति आ जाती है। और दो सिर्फ यही रीज़न नहीं है, कभी भी सिर्फ स्टबल बर्निंग को नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो वहीक्यूलर पोल्यूशन होता है, इतनी सारी जो गाड़ियाँ हैं वो भी बहुत बड़ा सोर्स है दिल्ली के एयर पोल्यूशन के पीछे, तो आप लोग ये चीज़ याद रखेंगे। तो जब हम लोग सितंबर से नवंबर के बीच में ये जलाते हैं ये लोग, और ये इंडो गैंगेटिक प्लेन यानी कि पंजाब हरियाणा यूपी में देखा जाता है, और यहाँ से जो है हवा बहकर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से दिल्ली की साइड आ जाती है और एयर पोल्यूशन आ जाता है। आज इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक
एक्सपेरिमेंट किया जिसमें जिसको गौघन बोलते हैं, गौघन एक 5 एकड़ का ज़मीन लिया गवर्नमेंट ने और हर गांव से आकर जितने भी लोग हैं अपनी पराली वहां जमा करते थे और उस पराली को ये लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में कन्वर्ट कर देते थे कुछ नेचुरल इंजाइम और गाय का गोबर डाल के, और फिर इसको जा करके खेत में डाल देते थे और वो खेत के लिए एक मैन्योर की तरह काम करता था। देख रहे हो कितना स्मार्ट तरीका है। तो इसको हम लोग यूटिलाइज़ कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड एज अ मॉडल, इसको एग्जांपल में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग कोई मेंस वेंस की तैयारी करते हैं तो उसमें भी डाल सकते हैं, ठीक है। और इस तरह इसको बेसिकली यूथ ने एंकरेज किया था। देख रहे हो हमारे पास कितनी पावर, हम किस तरह से चेंज ला सकते हैं सोसाइटी में। उसके बाद ये मॉडर्न हार्वेस्टिंग मशीन से देख रहे हो कितने भयंकर मशीन है, कंबाइन वगैरह मॉडर्न कितनी बड़ी बड़ी और कितनी ज़्यादा हो गई। अब हमने उगा उगा लिया, अब हमारे स्टोरेज की बात आती है। स्टोरेज हम उसको संभाल के रखना है तो अब हमने प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट किससे करना है, कीड़े मकौड़ों से, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो उसको ख़राब करते। तो वेरियस मेथड है, जो जूट का बैग होता है ना या मेटल के बीन्स उसमें फार्मर्स को संभाल के रखते हैं। बड़े बड़े जो है ना ग्रेनरी साइलोज होती हैं, बड़े बड़े धान रखने की जगह उसको साइलो कहते हैं या ग्रेनरी बोलते हैं, अनाज रखने की जगह यहाँ पे जमा कर लेते हैं। और यहाँ पे इन लोगों को रैट इंसेक्ट से बचा के रखना पड़ता है, तो इसमें कुछ स्पेशल केमिकल से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं ताकि रैट वगैरह इसको ना खा लें। अगर नेचुरल करना है तो जो नीम के पेड़ होते हैं ना उसके पत्ते डाल दो, तो ये घर पे ना आप स्टोर करके रख सकते हो, कोई भी कीड़ा नहीं लगेगा। उसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट थी एनसीईआरटी की ही, वो मैं आपके लेके आई हूँ। वो जो हमने देखा था नोमैडिक थे 10,000 साल पहले, तो ये वाली चीज़। दूसरा पैडी के बारे में एक चीज़ जाती है कि पैडी बहुत पानी लेता है, पैडी यानी कि धान यानी कि चावल जोगते हैं, और ये ना इस वजह से सिर्फ रेनी सीजन के दौरान ही उगाया जाता है। और जो सीड्स होती है ना फ्यू प्लांट्स जैसे पैडी, इनको पहले क्या किया जाता है, नर्सरी में उगाया जाता है। जैसे धान लिया उसको पहले नर्सरी में उगा के थोड़ा बड़ा किया एक प्लांट की तरह, और फिर जब उसका सीडलिंग बड़ा हो जाता है तब उसको जा करके खेत में मैन्युअली ट्रांसप्लांट किया जाता है। इसलिए पैडी ट्रांसप्लांटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, तो ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। स्पेशल फेस्टिवल्स है पूरे इंडिया में ना, बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल है जो हार्वेस्टिंग के टाइम किए जाते हैं, मनाए जाते हैं। जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबन्या, दिवाली की भी है, आपको ये चीज़ याद रखनी है, बिहू, ये सारे ऐसे फेस्टिवल हैं ना जो हार्वेस्ट से जुड़े हैं। मतलब जब आप हार्वेस्टिंग करते हैं तो अलग अलग राज्य में इसको मनाया जाता है। उसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है, जब हम लोग एक साथ तो उगा ही रहे हैं प्लांट को, साथ ही साथ अगर हमने उधर ही एनिमल को भी घर दे दिया फार्म में ही, फार्मिंग जहाँ फार्म है, और लार्ज स्केल में इसको किया, तो उसको एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, ठीक है। और मछली के बारे में आप जान लें, मछली से ना फिश कॉड लिवर ऑयल उगाई जाती है, निकाली जाती है, और ये फिश कॉड लिवर ऑयल जो है विटामिन डी में रिच होता है, तो ये बड़ा अच्छा है और ये क्वेश्चन भी आ जाएगा। इस तरह से हमने ये चैप्टर, चलो हम देख लेते हैं हमने सारे कीवर्ड्स किए कि नहीं। ये देखो यही है साइलोज और ग्रेनरी जिसकी मैं बात कर रही थी, देख लो कितने बड़े लार्ज स्केल पे हैं। और ये देखो किस तरह से गनी बैग यानी कि जो जूट के बैग होते, बोरे को बोलते गनी बैग, उसमें किस तरह से इसको संभाल के रखा गया है कि नहीं। चलो हमने ये सारे कीवर्ड्स कर लिए कि नहीं, हाँ जी, चलो सारे कीवर्ड कर लिए। अब हम लोग एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर विल बी डन। चलो पहला प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन, इसमें से क्या नहीं सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ठीक है। पहला क्वेश्चन है वीट इज अ समर क्रॉप इन लद्दाख, दूसरा स्टेटमेंट है क्वेश्चन नहीं है, पी इज अ समर क्रॉप इन हिमाचल प्रदेश, तीसरा मस्टर्ड इज समर एज वेल एज विंटर क्रॉप इन उत्तराखंड, और चौथा राइस इज ग्रोन इन लार्जेस्ट स्टेट्स इन इंडिया। चलो अब हम इसको देखते हैं, इन लार्जेस्ट स्टेट्स इन इंडिया, लार्जेस्ट एरिया, स्टेट्स का मतलब यहाँ पे एरिया की बात करी जाती है, लार्जेस्ट एरिया में उगाया जाता है हर स्टेट। तो ये आपके कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आप लोगों के लिए ये है क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा ज्योग्राफी सेंट्रिक है, आप लोग इसको ढूंढ कर इसका आंसर लेकर आएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट नहीं करेक्ट है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। इसमें आप लोगों को इससे क्या होगा ना, आप लोगों को थोड़ा सा अलग अलग स्टेट्स के बारे में भी, उसके क्रॉप्स के बारे में पता चल जाएगा, और ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए भी ऐड हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन ऑफ द डे नंबर 2 है, एक तो मैं ऊपर दे चुकी हूँ आप लोगों को। एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं कि इट इज़ अ खरीफ क्रॉप, ठीक है, ये खरीफ क्रॉप है, और बिहार में इसको राबी क्रॉप की तरह भी उगाया जाता है। ये फूड भी है एज वेल एज फोडर भी है, यानी खाने में भी यूज़ होता है, चारे में भी यूज़ होता है। ये कौन सा क्रॉप की बात कर रहे हैं, राइस, वीट, मेज़ या सॉर्गम, एकदम इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसका आंसर है आपका मेज़, मकई। तो ये एक थोड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेंगे, बिहार का है तो और भी ज़्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमने पूरा ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया, ये क्लास 8 का पहला चैप्टर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं क्लास 8 में बायोलॉजी के, और ये थोड़ा ज्योग्राफी से रिलेटेड था, तो आप लोग इस चीज़ के लिए खुश रहें कि ज्योग्राफी भी थोड़ा कवर हो गया, राइट।
तो आप लोग पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में।